मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान के बाद मची मध्य प्रदेश सरकार में खलबली को लेकर सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी कि आज आखिरकार बसपा विधायक रामबाई हैं कहाँ। उनके पति गोविंद सिंह से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि विधायक रामबाई अपनी पुत्री से मिलने दिल्ली गई हुई हैं, उसके तबीयत खराब की सूचना आई थी। वहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि विधायक रामबाई कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। आइए सुनते हैं विधायक पति गोविंद सिंह का बयान। श्रीमती रामबाई को स्पेशल चार्टर्ड विमान से दिल्ली ले जाया गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो क्या है, मेरी बच्ची है जो वो दिल्ली में पढ़ती है, इसलिए उससे कि अभी तबीयत खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो उस कारण से वो दिल्ली गई हुई है। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लगातार कयास लगाया जा रहा है, मीडिया से भी खबर आ रही है और बीजेपी भी लगातार कह रही है कि मेरे संपर्क में है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाए। अब देखिए, कल के दिन कोई आरोप लगा कि ओमकारेश्वर क्यों जा रहा है, तो भाई कोई ओमकारेश्वर किसी पार्टी का वो थोड़ी है, शहर है, जा सकते हैं। दिल्ली जाने में क्या बुराई है, इससे सरकार का क्या लेना देना, मतलब कोई खतरा नहीं। कोई वो सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, कमलनाथ जी की सरकार बनी रहे, यही मेरा कहना। तो कहाँ है इस समय विधायक जी? कहाँ है विधायक जी? दिल्ली गई हुई है बच्ची की, यहाँ बच्ची पढ़ती है, वहाँ DU कॉलेज में उसका एडमिशन है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए।